गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अयान प्रेजेंट एंड माय न्यू व्लॉग। गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और गाइस यार एकदम शाम का टाइम हो चुका है, बहुत बढ़िया जो है मौसम हो रहा है। गाइस अभी छत पर आ चुका हूँ। और यार गाइस आज है गाइस एक गुड न्यूज़, बहुत प्यारी गुड न्यूज़ है। वैसे तो गाइस आपसे भाइयों ने टाइटल भी पढ़ लिया होगा एंड थंबनेल भी देख लिया होगा, बट यार फिर भी आपको बताता हूँ यार। सो अभी ये देखो शाम का टाइम हो चुका है, कबूतर देखो माशाल्लाह से खोल दिए मैंने एकदम बढ़िया तरीके से। गाइज अपने कबूतर एकदम फिट फाट चुग रहे हैं। और गाइज सफाई तो मैं कर ही देता हूँ, देख लो छत कितनी सफ़ा सुथरी है एकदम। गाइज सफाई कर देता हूँ मैं, और जाल की गेट की मैंने सफाई कर दी थी क्योंकि इसके अंदर पानी भर चुका था तो बीटें ख़राब हो गई थी, मतलब बीटें फूल गई थी, तो वो भी गाइज मैंने पूरी साफ़ कर दी। और इधर देखो यार यहाँ पर भी गाइज मैंने साफ़ कर दी, बस थोड़ी थोड़ी जो है बची हुई है। और गाइज आज यार हमने सभी भाइयों के कमेंट भी पढ़े थे तो यार उनके भी रिप्लाई हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज आप ये देखें, ये मैं बच्चा निकाल कर लाया हूँ जो मैंने आपको दिखाया था अपने 8 घंटे वाले का, 5 घंटे वाला भी बोल देता हूँ मैं उसको, 8 घंटे वाला भी। तो गाइज यार मैंने क्या देखा, इसकी आँख दुख रही है। जो मैंने ब्रीडिंग सेटअप का वीडियो बनाई थी ना उसमें मैंने देखा था इसकी आँख दुख रही थी, तो इसकी अभी भी यार आँख आ रही है, दुख रही है यानी कि। तो इसकी आँख में ट्यूब डाल कर रखते हैं, पहले ट्यूब उठाते हैं, यहीं कर रखा होगा, ये देखो ये रखा हुआ, ये डालते हैं ये ट्यूब, देख लो आप इसको बकरी ट्यूब बोलते हैं। और गाइज ये बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है, एकदम सही कर देता है गाइज, ये चोट पे भी लगा देते हैं ना एकदम खुरंट आ जाता है उस पर, तो इसके लगाते हैं यार जल्दी से। सो गाइज इसके दवाई मैंने डाल दी है क्योंकि गाइज अकेला हूँ कैसे दिखाता आपको, तो इसको आराम से रख देते हैं। इसका जो है देखो इसके जो फादर है वो देख रहे हैं भाई कहाँ गया बच्चा। तो गाइज अब ब्रीडिंग सेटअप में आ ही चुके हैं, तो गाइज जो अपनी गुड न्यूज़ है वो भी आप सही भाइयों को अभी गाइज बता देते हैं भाई क्या गुड न्यूज़ है, तो अभी आपको दिखाते हैं भाई। ये देखो यार गाइज हमने आपको बोला था कल के ब्लॉग में, नहीं नहीं यार ब्रीडिंग सेटअप वाले ब्लॉग में बोला था कि यार जल्दी से ये अंडे देने वाली है तो हम इसके अंडे ना आपकी बार फैला देंगे भाई। और यार आज मैंने क्या देखा, ये देखो एक अंडा इसने अभी अभी दिया है, अभी आपको दिखाता हूँ, ये बहुत भारी हो रही थी और इसने एक अंडा अभी अभी दिया है। और गाइज इसने अब की बार 4 से 5 बार अंडे दे दिए, एक भी बार गाइज इसके बच्चे नहीं हुए, तो अब की बार गाइज हम इसके बच्चे मतलब पहले तो गाइज इसके नीचे ही रहने देंगे, फिर कुछ दिनों बाद जो भी हमारा जो पेयर अंडे देगा ना उसके नीचे यार इसके अंडे फैला देंगे। और गाइज मैं अपने हाथों से नेस्टिंग वेस्टिंग सब रखूँगा, अब की बार मैं चाहता हूँ गाइज की बच्चे यार हो ही जाए, एक बच्चा इससे करा लेंगे एक बच्चा किसी और के नीचे जो है हम रख देंगे। बाकी गाइज अब ब्रीडिंग सेटअप में आ चुका हूँ तो बच्चों की ग्रोथ देख लीजिए आप, वो 3 दिन पहले की थी और ये आज है, माशाल्लाह से बहुत प्यारे जो है बैठे हुए हैं बच्चे। तो अभी गाइज चलते हैं बाहर। सो गाइज ये हमारा बहुत प्यारा पेयर है यार, आज तक इसके जो है बच्चे नहीं हुए, जो इसका गाइज ये मेल है ना हमारा बहुत पुराना है, देखो अब भी इसके पीछे पड़ रहा है। और गाइज यार इसका ना एक फ़ीमेल से एक बार बच्चा हुआ था गाइज, वो बहुत उड़ा था, मैं हर व्लॉग में आपको बताता हूँ, इसलिए गाइज हम करवा रहे हैं जो इसकी ब्रीड। सो गाइज अब बारी आती है आपसे भाइयों के कमेंट की रिप्लाई करने की, ज़्यादा तो गाइज मेरी वीडियो पर कमेंट आते नहीं हैं, बट यार जो भी है मैं कमेंट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है करता हूँ। और यार सबसे पहले तो शुक्रिया जो जो भाई मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं। तो गाइज यार एक भाई का तो यार मैंने यूट्यूब चैनल का नाम भी पढ़ा था, मतलब उनका था कुछ कश्मीरी पिजन की तरह ही था उनका, उनका था कबूतर लवर ऑन कश्मीर। तो गाइज उन भाई ने बोला है अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम, और आपका कमेंट बहुत बढ़िया था यार भाई, कमेंट करते रहे। और गाइज यार दूसरा कमेंट था कि अयान भाई यार कबूतर उड़ा कर भी दिखाया करो। सो गाइज हम कबूतर उड़ाते भी हैं, कोई कोई भाई ऐसे हैं कि हमारी वीडियो उड़ाने वाले की देखते हैं, कोई नहीं भी देखते, तो गाइज उन भाई ने कमेंट कराया तो यार हम ज़रूर करेंगे। हम गाइज कल से ही कबूतर अपने उड़ाएंगे, आपको उड़ाकर भी दिखाएंगे व्लॉग में। और काफ़ी भाई गाइज कमेंट करते रहते हैं काफ़ी भाई, एक भाई ने ये भी कमेंट करा गाइज दोबारा से कि अयान भाई यार हैंड टेम करो, तो हम यार हैंड टेम कर रहे हैं अपना जो अपने मद्रासी का था ना, वो जब भी बच्चा निकलेगा दूसरा हम उसको भी हैंड टेम करने की ट्राई ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और गाइज एक भाई का कमेंट था कि अयान भाई आप पे टोटल कितने कबूतर है, तो यार आज मैं बता रहा हूँ, देखो कमेंट के रिप्लाई भी कर रहा हूँ, तो आज आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ, मुझ पे 50+ कबूतर है, यानी कि 50 समथिंग है मुझ पे कबूतर। और आपसे भाइयों को अंदाज़ा भी पड़ ही जाता होगा, और ऐसा नहीं है कि हमेशा 50 ही रहते हैं, कुछ कम हो जाते हैं कुछ बढ़ती, बट ज़्यादा नहीं होते, 4-5 कोई पकड़ में आ जाते हैं तो 4-5 चले जाते हैं, कोई भाग जाता है कोई मर जाता है, तो भाई ऐसे ही चलता है, ऑलमोस्ट 50 के समथिंग है हम पे कबूतर। तो ये एक कमेंट हो गया। और गाइस काफ़ी भाई जो है हेट कमेंट भी करते हैं, तो गाइस मुझे कोई बुरा नहीं लगता यार, कोई जैसा ही बोले। यार हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एक अंडा चेंज करा था, कबूतर का अंडा गाइस चेंज कर दिया था गाइस, उसका रीज़न भी ये था कि गाइस वो अंडा ना मतलब वो अंडा हमारे कुछ काम का नहीं था, और जो सब भाई मतलब इस बात पर सब भाई बहुत गुस्सा हो रहे थे कि आपने अंडा नीचे को फेंका, हमने अंडा जो है नीचे गाइस फेंक दिया था। शॉर्ट वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं,
और वे कोई मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे, बस वो उन्होंने शॉर्ट वीडियो देखी और उनको गुस्सा आया। तो भाई मैं बताने वाला हूँ कि यार जो अंडा होता है ना वो हमने मुर्गों को खिलाया था, वो हमने वेस्ट नहीं करा था। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, उस पर मैंने टाइटल लिख रखा है, शॉर्ट वीडियो है, कि हमने कबूतर का अंडा आज चेंज करा। तो गाइज वो मैंने ना मुर्गे को खिलाया था, जो अपने मुर्गे हैं ना बड़े बड़े उनसे गाइज प्रोटीन मिलता है, कोई गाइज हमने अंडा वेस्ट नहीं करा। और वो गाइज हमारे काम का नहीं था क्योंकि वो उसको सेक नहीं रहे थे अंडे को, तो हमने दूसरा अंडा चेंज कर दिया था। पहले आप गाइज वीडियो देखो, फिर आप बताना गलती किसकी है, ठीक है भाई। बाकी गाइज और कमेंट होते हैं तो लिखे हुए नहीं होते, बस इमोजी डाल देते हैं। वो कोई काफ़ी भाई दिल जो है भेजते हैं, काफ़ी भाई यार बहुत सपोर्ट करते हैं, तो यार दिल से शुक्रिया उन भाई का। और एक यार हमने कमेंट पे मतलब वीडियो बनाई थी कि यार मट्टी खिलाओ अपने कबूतरों को, ये तो यार उन भाई ने मेरी वीडियो देखी थी तो उन भाई ने थैंक्स बोला था, तो यार शुक्रिया उन भाई का, उनके पास वीडियो भी पहुंच गई। तो आप यार कमेंट ज़रूर से ज़रूर करते रहें। बाकी गाइज जो अपने लल सीरी ने जो है अंडा दे दिया है ना, अब गाइज हम इनकी बहुत ज़्यादा केयरिंग करेंगे और अच्छे तरीके से मतलब कि रखेंगे यार इनका अंडा, की बार ना ख़राब नहीं होने देना गाइज हमें। और गाइज ये एक हम पे पट्टी है जो कि अभी पट्टी बनती आ रही है, तो यार ये पहले ना मतलब इससे ही मस्त आती थी और इसने अभी पट्टी बनते बनते पूरी मादिन बनने वाली है और इसने इसी नर से अपने कलदुमे से पैर लगा लिया, तो गाइज ये भी बहुत अच्छी जो है बात है। गाइज यार मेरे एक कमेंट तुरंत से याद आ गया, एक भाई ने यार ये कमेंट करा था, अयान भाई तुम ना अपनी मतलब धामड़ी के अंदर पेटियाँ जमाओ और उसके अंदर यार ब्रीडिंग करो, मतलब अपनी ब्रीडिंग अपने कबूतरों की ना धामड़ी के अंदर कराओ, वो ब्रीडिंग के लायक है, और जाल में जो है अपने आप उड़ान का कबूतर रखो। जैसे कि गाइज आपको भी कंफ्यूजन होती होगी जैसे इन भाई को ही, कि यार हम जाल के अंदर जिसमें पानी वानी जाता है इसमें हम ब्रीडिंग कराते हैं और इतनी बढ़िया जो है धामड़ी इसके अंदर गाइज हम ब्रीडिंग नहीं करा रहे, तो गाइज उसका रीज़न ये है। अभी आपको रीज़न भी बता देता हूँ कि गाइज गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने गर्मी को ऐसे इसके अंदर रखा था क्योंकि ब्रीडिंग वाले जो कबूतर होते हैं ना वे अंडों को और गर्म करते हैं, तो वो गर्मी से गाइज मर जाते हैं ना कबूतर, और अंडे बच्चे इसलिए गर्मी में नहीं हो पाते हैं, तो उनको ठंडक मिलनी चाहिए, इसलिए हमने ना यहाँ पर करी थी सेट। बाकी गाइज हम यहाँ पर भी रहने देंगे और हम थोड़ा सा सोचें नीचे लेकर चले जाए अपने ब्रीडिंग वाले कबूतर को। आप कमेंट में बताना कैसा करें, जैसा आप बोलोगे गाइज ऐसा ही होएगा, या फिर हम सोच रहे हैं कि इसके जैसी गाइज एक न्यू पेटी बनाकर ये तो हम यहीं पर रहने दें, क्योंकि उनके पुराने घर हैं यार, फिर शिफ्ट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। एक पेटी हम गाइज इसकी तरह ही बनाकर इस कोने में रख देंगे, क्योंकि यार यहाँ पर कुछ भी खाने वाने वगैरह है नहीं, और ये कबूतर भी इसके अंदर रहेंगे ना अच्छी तरीके से रहेंगे, यहाँ पर जिसको ब्रीडिंग करनी होगी कर लेगा। यहाँ पर ओनली ऑन एक पेटी रखी हुई है, बाकी गाइज कबूतर ऐसे ही रहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक पेटी रख देते। तो आप गाइज कमेंट में बता देना, जैसा गाइज आप बोलोगे तो हम पेटी भी रख देंगे या नीचे ले जाएंगे ब्रीडिंग वालों को। गाइज यार कबूतर का पानी भी जो है ख़त्म हो चुका है, तो कबूतरों को जो है डाल देते हैं। ये देखो गाइज डाल दिया मैंने। और गाइज यार एक और मुझे कमेंट याद आ गया यार, चलो जो मेरे याद आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे सभी जो है भाई है सब वीडियो देखते हैं, तो किसी का कमेंट जो है छूटना नहीं चाहिए। तो यार एक भाई ने ऐसा कमेंट करा, हमने आपसे बोला था कि हमने अपना कासनी कबूतर सेल कर दिया, आप ये ना सोचे कि कहाँ चला गया। तो यार एक भाई ने कमेंट करा कि तुम कबूतर ही बेच दो कबूतर के ऊपर, मतलब उनका मुझे ऐसा लगा उनका ये मतलब होगा कि कबूतर की आप वीडियो बना रहे हो तुम कबूतर ही बेच दो। तो यार भाई किसी के काम के होते हैं किसी के नहीं होते। यार एक भाई आया था बोल रहा था कि यार मुझे एक पेयर चाहिए, मुझे एक छोटा सा शौक कर रहा है, तो हमने एक नहीं बेचा गाइस दो कबूतर सेल करे थे उसे पूरा पेयर बना के, क्योंकि वो जो थी वो फीमेल बन रही थी, तो यार हमने उसको सेल करा था, वहाँ पर भी तो वे पल रहे हैं ना जब हमें गाइस उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बात रही गाइस उड़ान की, तो हम पे उड़ान के कबूतर हैं अपने, और बात रही गाइस ब्रीडिंग की, तो हमारे ब्रीडिंग के भी कबूतर हैं, तो हमने गाइस वो कबूतर सेल कर दिया, वो पकड़ में आ गया था, कोई लेना आता तो गाइस हम उसको दे देते, बाकी हमने उसको आज़ाद करा, आपको दिखाया, आपको उड़ाकर भी दिखाया गाइस, और वो बस अब फिर हमारे यहाँ पर फीमेल बनती रही, तो गाइस हमारा उसका कुछ काम नहीं रहा था तो हमने उसको सेल कर दिया। गाइस कोई बात नहीं, हम एक सेल करते हैं और लेकर भी तो आते हैं वे पैसे। गाइस मैं जो सेव कर रहा हूँ, यानी कि यार जमा कर रहा था कुछ पैसे, और कुछ पैसे गाइस मुझ पर भी हैं, मैं आपसे बोल ही रहा हूँ गाइस कि यार हम फीमेल भी लाने वाले हैं, फिर यार कोई भाई नहीं बोलेगा कि तुम कबूतर ही ला रहे हो। अरे यार भाई हम लेकर भी आते हैं और थोड़े मोड़े यार जो अपना हिसाब बनता है वो हम सेल कर देते हैं, ऐसा कोई भाई नहीं होगा गाइस जो सेल नहीं करता होगा कबूतर, तो जिसका गाइस जो मतलब बनता है वो कर देता है। अभी गाइस हम पे ये देखो, ये इतना बढ़िया नर है, कबूतरबाजों को यार बिल्कुल पहचान होगी सहारनपुरी, ये इतना बढ़िया नर है गाइस, चपड़ा पकड़ा था हमने ये गाइस इतना बढ़िया, ये सारे के सारे गाइस 12 नर टोटल खाली पड़े, तो यार सेल करके ही तो इनके कबूतरी लानी पड़ेगी। ये बताओ आप 12 कबूतर जो है हम पे खाली हैं उनके लिए यार बहुत पैसे चाहिए अच्छी कबूतरी लाने के लिए। 12 जो है पिजन न्यू आएंगे बढ़िया बढ़िया, तो यार कम से कम जाहिर सी बात है 1000 रुपये का एक तो आएगा ही। तो गाइस यार बहुत पैसे चाहिए, इसलिए थोड़े मोड़े हमने सेव भी कर रखे हैं कबूतर सेल करके, तो यार हम जो है लाने वाले हैं। तो आप ये ना सोचो आप कबूतर ही सेल कर रहे हो,
इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी चमकेगी फीमेल्स। और बस यही था गाइज आज का ब्लॉग, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज की ब्लॉग बस यही था कि आप सही भाइयों को कमेंट पढ़ के बताना कि यार क्या क्या किस किस भाई ने भाई क्या क्या कमेंट करे थे, और इंशाल्लाह ताला आपको ब्लॉग पसंद ही आया होगा। मिलते कोई और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।